हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्नैपशॉट। और आज हम देखेंगे कहानी फंक्शन की। ओके, तो ये फंक्शन जो है वो आपके ग्रेड 11 और 12 का एक टॉपिक है मैथमेटिक्स में, और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरा कैलकुलस, ठीक है, जो कि आपके 12th में आता है मेनली, उसका एक बेसिक फाउंडेशन है। ठीक है, फंक्शन के ऊपर ही पूरा कैलकुलस डिपेंड होता है, तो फंक्शन के बारे में पता होना ज़रूरी है। ठीक है, फंक्शन कहाँ से आया, फंक्शन की जनरेट कहाँ से हुआ, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, वो सारी कहानी जो है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भी पेन और कॉपी लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मैथमेटिक्स की क्लासेस में बहुत कम होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपल सा कहानी सुननी है। ठीक है, इस कहानी में क्या होगा, शुरू से किरदार आते रहेंगे, कैरेक्टर्स आते रहेंगे, और उन कैरेक्टर्स की अपनी थोड़ी थोड़ी कहानियाँ होगी, थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशंस होंगे, वो हम देखते जाएंगे, और लास्ट में हम कहानी को कंक्लूड करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फंक्शन की कहानी में जो पहला कैरेक्टर आता है वो कैरेक्टर है सेट्स। ठीक है, अब सेट्स क्या होता है वो आप लोगों को पहले से पता होगा, नहीं पता है तो मैं सिंपल सा बता देता हूँ क्या होता है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। लेट्स से हमने एक सिंपल सा अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये मेरा सेट है जिसमें क्या है, ई बी सी ओ डी। ठीक है, इसमें ये चार ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमारा सेट ए है। ठीक है, ये इसको लिखने का तरीका है। ओके, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, चार एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर मैंने वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ही क्यों लिखा है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ही क्यों लिखा है, तो देखो मैं दो सेंटेंसेस लिखता हूँ। पहला सेंटेंस है कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ फाइव क्रिकेटर्स। ठीक है, ओके, दूसरा मैं लिख रहा हूं कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ फाइव बेस्ट क्रिकेटर्स। फाइव बेस्ट क्रिकेटर्स, तो जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें क्या है, नेम्स ऑफ फाइव क्रिकेटर्स। अब फाइव क्रिकेटर्स के नेम हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी क्रिकेटर्स है, सचिन, सहवाग, धोनी, जो भी है, पांच क्रिकेटर्स के नाम आपने लिख दिए और वो क्या बन गया, एक सेट बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, एक सेट बन गया। लेकिन जो सेकेंड सेंटेंस है उसमें क्या लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ फाइव बेस्ट क्रिकेटर्स। ठीक है, अब देखो मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है कि बेस्ट क्रिकेटर्स कुछ और हो, आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कुछ और हो, तो एक परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है ये सबके अकॉर्डिंग बेस्ट क्रिकेटर्स जो है वो सबके अकॉर्डिंग अलग अलग होंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने लिख दिया कि बेस्ट क्रिकेटर्स हैं सचिन, सहवाग, धोनी और जो भी है गांगुली, और अब आप उसमें क्या बोल सकते हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, उनके अलावा दूसरे है, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि सबकी जो डेफिनेशन है बेस्ट क्रिकेटर्स की वो सबकी अलग अलग है। राइट, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये हमारा सेट नहीं है। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ फाइव बेस्ट क्रिकेटर्स ये एक सेट नहीं है, कलेक्शन ऑफ फाइव क्रिकेटर्स ये एक सेट है। ओके, क्लियर है आपको, वेल डिफाइंड का यूज़ हमने क्यों करा है ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ओके, तो अब देखो सेट्स को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें एक रोस्टर फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है। ठीक है, और इसके टाइप्स होते हैं बहुत सारे, जो कि हम आपके जो चैप्टर है 11th में, फर्स्ट चैप्टर, उसमें आके हम देखते हैं। ओके, तो पहला हमारा किरदार था सेट्स, उसके बारे में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी और वो सफिशिएंट है अभी हमारी जो स्टोरी है उसका फ्लो समझने के लिए। सेट्स के बाद में आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। लेट्स से हमारे पास दो सेट्स दे रखे हैं ए, उसमें एलिमेंट्स है ए बी एंड सी,
और दूसरा हमारा सेट है बी, जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब इनका क्या करना है, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो कोई भी दो सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसमें जो एलिमेंट्स आते हैं, अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे उससे भी हमें एक सेट ही मिलेगा। तो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, ए कोमा बी, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये हमारा क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला सेट है। ओके, अब इसमें क्या हुआ, देखो समझने वाली बात क्या है कि ए क्रॉस बी, आपने ए क्रॉस बी लिखा है, ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करा है, तो जो पहला सेट है उससे ये फर्स्ट एलिमेंट आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। जब भी हम दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमें जो एलिमेंट्स मिलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे। और उन ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट सेट से आएगा, और सेकंड एलिमेंट जो आएगा वो सेकंड सेट से आएगा। ये हमेशा होगा। ठीक है, तो अगर मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखता हूँ तो क्या आएगा, देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, ए कॉमा वन। ओके, और अब जितने भी एलिमेंट्स बन रहे हैं, जैसे ए के साथ 2 भी आएगा, ए के साथ 3 भी आएगा। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट, तो जितने भी पॉसिबल सेट्स हैं वो जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं वो सारे हम लिख देंगे। तो बी के साथ आएगा बी कोमा वन, बी कोमा टू और बी कोमा थ्री। सिमिलरली सी के साथ सी कोमा वन, सी कोमा टू, सी कोमा टू और सी कोमा थ्री। तो ये हमारा क्या हो गया, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया बी के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं ए इंटू बी में, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, और हमने एक ये देखा हुआ है कि कितने एलिमेंट्स आते हैं, लेट्स से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, जो हमारा सेट ए है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर क्या हैं, एम है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू एन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना हो जाता है, सिंपल सा एम इन टू एन। ठीक है, अगर लेट्स से इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 3, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, 3 × 3 9। तो इसमें जो तुम एलिमेंट्स देखोगे टोटल वो कितने होंगे, 9। तो ये एक फॉर्मूला है जो कि हम समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में आके। ठीक है, तो बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, जो भी आपके सेट्स हैं उन सेट्स के ऑर्डर्ड पेयर, उनमें जो भी एलिमेंट्स हैं उनके ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं वो सारे के सारे हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स होंगे। ओके, चलो, तो ये दूसरा कैरेक्टर था। तीसरा कैरेक्टर आता है रिलेशंस। ठीक है, तो रिलेशन क्या है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट। ठीक है, अब क्या कर रहे थे हम, अगर मैं जैसे मेरे पास सेट ए था, सेट बी था, ठीक है, उसमें कुछ एलिमेंट थे, तो जैसे सेट ए में मैंने एलिमेंट्स लिखे थे, मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, जैसे इसमें मैंने लिख दिया 2, 4, 6 और इसमें मैंने लिख दिया 1 और 3। अब देखो एक रोस भी तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा एक रोस भी विल बी, इनका जो भी एलिमेंट्स है जैसे 2, 1, 2, 3, 4, 1, 4, 3, 6, 1 और 6, 3। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर कुछ आप रिलेशन लगा दोगे, ये जो एलिमेंट आए, देखो ये क्या है, हमारा ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें ये ऑर्डर्ड पेयर का ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, तो इन एलिमेंट्स में अगर आप कुछ रिलेशन बता सको, अगर इन एलिमेंट्स में कुछ आप रिलेशन बता सको तो क्या हो जाएगा, वो रिलेशन हो जाएगा, उसको उस सेट को हम क्या बोल देंगे, रिलेशन बोल देंगे। लेट्स से इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर मैं एक सेट लगाना चाहता हूँ, एक रिलेशन में अगर इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, तो लेट्स से वो रिलेशन है कि जो है इसमें एलिमेंट्स होगा ए कोमा बी, और वेयर ए इज कमिंग फ्रॉम ए एंड बी इज कमिंग फ्रॉम बी, और ए और बी के बीच में एक रिलेशन है। ठीक है, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सारे के सारे ए और बी आ रहे हैं, जितने भी ए और बी पॉसिबल है, यहाँ पे आपने एक रिलेशन, आपने एक कंडीशन लगा दिया कि जो ए है
इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, यह आपने कंडीशन लगा दी। अब देखो क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन बी, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे देखो, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ तक ही कंडीशन तो सेम है रिलेशन में, यहाँ तक की कंडीशन तो सेम है, लेकिन ये एक अलग एक्स्ट्रा कंडीशन आ गई, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ए इज़ ग्रेटर देन बी है। तो यहाँ पे देखो 2,1, तो 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये आ जाएगा एलिमेंट। 2,3 इसमें जो है ए बी से बड़ा नहीं है, तो इसको हम हमारे रिलेशन में नहीं लेंगे। 4,1 आ जाएगा, 4,3 आ जाएगा, 6,1 आ जाएगा और 6,3 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा रिलेशन हो गया, ये हमारा क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट था, और ये हमारा रिलेशन हो गया। तो रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर मैं कुछ कंडीशन लगा दूंगा या कुछ रिलेशन बता दूंगा किस में, ए और बी में, ठीक है, इस ए और बी में अगर आप कुछ रिलेशन इस्टेब्लिश कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। क्लियर है सबको? ओके, अब देखो और भी मेरे रिलेशन, इसको मैं अगर R1 बोल देता हूँ तो R2 को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ कि इसमें R2 में a,b होगा एलिमेंट, और वेयर a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b, ये तो है ही है। कोमा क्या बोल देंगे, a इज डिविजिबल बाई b, ठीक है। तो हमारा रिलेशन क्या आ गया, a और b में रिलेशन क्या है इस बार, कि a जो होगा वो b से डिविजिबल होगा। तो इस रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेकंड एलिमेंट से डिविजिबल होगा। तो देखते हैं, ये 2 है, ये 1 है, तो 2 जो होता है 1 से डिविजिबल होता है, सही बात है, तो मैंने लिख दिया 2,1। अब ये 2,3 है, तो क्या 2,3 से डिविजिबल है, नहीं है। 4,1 4,1 से डिविजिबल होता है, 4,3 4,3 से डिविजिबल नहीं होता है, नहीं लिखेंगे। 6,1 6,1 से डिविजिबल होता है, लिख दिया। और 6,3 6 क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन 2 हो गया, ये हमारा रिलेशन 2 हो गया, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हो। तो जो दो साइड्स हैं उनके ऊपर बहुत सारे रिलेशन्स बन सकते हैं, ठीक है। ये तो देखो हमने एक ही कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर दो रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिए, ऐसा बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं, बहुत सारी कंडीशंस बन सकती है ए और बी के बीच में, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा और सिंपल वे में समझाना चाहूँ, तो लेट्स से हमारा पास सेट ए है जिसमें कंट्रीज़ के नेम है, इंडिया हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, ये तीन हमारे पास कंट्रीज़ हैं। और बी मैंने एक सेट ले लिया जिसमें नाम लिख लेते हैं, जैसे क्या हो गया, पेरिस हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, ठीक है, और बीजिंग हो गया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों सेट्स के ऊपर मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूँ, और वो रिलेशन को मैं ऐसे बोल देता हूँ, इस रिलेशन में एलिमेंट हो गए a,b, वेयर ए जो होगा वो ए से आएगा और बी जो होगा वो बी से आएगा। और मैं क्या यहाँ पे रिलेशन लिख रहा हूँ ए और बी के बीच में, कि जो बी है, बी इज द कैपिटल ऑफ ए, ठीक है, बी जो होगी वो ए की कैपिटल होगी। तो इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, ए क्या आएगा, ठीक है। देखो ए अगर इंडिया है, अगर मैं ए बोलता हूँ तो बी क्या होगा, दिल्ली। ओके, अगर मैं ए को बोलता हूँ फ्रांस तो बी क्या होगा, पेरिस, क्योंकि उसकी कैपिटल है। ओके, और अगर मैं सी को बोलता हूँ चाइना तो बी क्या होगा, बीजिंग। क्लियर है सबको? ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया। रिलेशन क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होगा, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट आएंगे उन्हीं एलिमेंट से हम क्या करते हैं, चूज़ करते हैं रिलेशन के एलिमेंट्स को। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो आपको पता है कितने एलिमेंट आते हैं उसमें, 9 एलिमेंट आते हैं। एक बार तो इंडिया पेरिस, इंडिया न्यू दिल्ली, इंडिया बीजिंग, फ्रांस पेरिस, फ्रांस न्यू दिल्ली, फ्रांस बीजिंग, चाइना पेरिस, चाइना न्यू दिल्ली, चाइना बीजिंग, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे ए क्रॉस बी के अंदर आते हैं, ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ में आते हैं। ओके, लेकिन रिलेशन जो है हमारा ये है, उसमें तीन ही एलिमेंट आए। क्लियर सबको? ओके, अब
आते हैं हमारे फाइनल और लास्ट हमारा जो कैरेक्टर है फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, सेट से शुरू करा और अभी हम कहाँ पे पहुँच गए हैं, हमारे लास्ट कैरेक्टर के ऊपर पहुँच गए हैं, विच इज़ फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन क्या होता है, एक रिलेशन होता है, ए रिलेशन एफ। ठीक है, फंक्शन भी क्या होगा, एक रिलेशन होगा, रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट सेट है ई, फर्स्ट सेट की मैं बात कर रहा हूँ, उसके एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ ओनली एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। या इसको बोल सकते हैं कि जो हमारा एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट है सेट ए के, उस सारे के सारे क्या हुए हैं, रिलेटेड हैं सेट बी से, और क्या हैं, ओनली एंड ओनली एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, ये इमेज क्या होती है अभी हम देखेंगे। अब देखो, लेट्स से हमारे पास सेट ए है और इसमें एलिमेंट्स हैं ई बी एन सी, और सेट बी है उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3। ठीक है, तो अगर मैं इसको एरो डायग्राम से समझने, अब देखो यहाँ पे एरो डायग्राम आता है और ये सेट ए है, मैं इसके एलिमेंट को इसमें लिखूँगा, ये सेट बी के एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखूँगा, और ठीक है यहाँ पे क्या है ई बी और सी, यहाँ पे 1, 2 और 3। ओके, अब ये दोनों रिलेटेड है ए से बी में, तो ए से बी में, ठीक है, ये जो रिलेशन है, आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे रिलेशन्स बनेंगे ए से बी, जो हमारा सेट है दो उसमें बहुत सारे रिलेशन्स बनेंगे। अब इन रिलेशन में से किस रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे, ठीक है, किस रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे, देखो जिस रिलेशन में ए के सारे एलिमेंट बी से रिलेटेड हो, मतलब देखो रिलेटेड होने को हम इस एरो से डिफाइन करेंगे, लेट्स से ए जो है वो 1 से रिलेटेड है, बी जो है 2 से रिलेटेड है, तो ऐसे डिफाइन कर दिया उसको, और सी जो है 3 से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो हमारा रिलेशन है वो क्या रिलेशन है, e, b, 2 और c, 3, ये हमारा रिलेशन है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो हमारी कंडीशन है फंक्शन, ये तो रिलेशन तो है सबको पता है, लेकिन ये फंक्शन है या नहीं है उसके लिए हम कंडीशन चेक करते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, सेट ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी से रिलेटेड होने चाहिए, पहली कंडीशन, जितने भी एलिमेंट्स थे तीनों के तीनों एलिमेंट बी के एलिमेंट से रिलेटेड है, कंडीशन फुलफिल। सेकेंड कंडीशन क्या है कि ओनली हैज़ वन इमेज या वन एलिमेंट, ठीक है, जितने भी एलिमेंट है वो एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड हो, तो ए जो है वो भी एक एलिमेंट से कनेक्टेड है, बी भी एक एलिमेंट से कनेक्टेड है, सी भी एक एलिमेंट से कनेक्टेड है, यानी ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई, यानी ये जो R1 है वो क्या है, एक फंक्शन है, R1 जो है वो एक क्या है, फंक्शन है। एक दूसरा रिलेशन लेता हूँ मैं, जिसमें ऐसा है a, b, 1 और c, 1। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है, अब ये रिलेशन का हमें चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सारे के सारे एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए, ए बी और सी, तीनों के तीनों एलिमेंट जो हैं वो किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं, और ए बी, अब इसमें क्या हुआ, सेकंड केस में मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ कलर, सॉरी, ओके, ओके, सो अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, ओके, तो जी जो हमारा R2 है, R2 में क्या हुआ, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी 1 से कनेक्टेड है, 1 से रिलेटेड है, B भी 1 से रिलेटेड है, और C भी 1 से रिलेटेड है, तो हमारी सेकंड कंडीशन क्या है कि सारे के सारे एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन है, और एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड होनी चाहिए, तो ए क्या है यहाँ पे, एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है, बी भी एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है, सी भी एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है, वो बात दूसरी है कि सारे के सारे सेम एलिमेंट से कनेक्टेड है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या है यहाँ पे, एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है, इसलिए भी क्या होगा, एक फंक्शन होगा, ये भी क्या होगा, एक फंक्शन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए जो है वो 1 से भी कनेक्टेड हो जाए और 2 से भी कनेक्टेड हो, जैसे मैं एक तीसरा रिलेशन लिखता हूँ, उसमें क्या है, a, 1 e, 2, ठीक है, b, 1 और c,
3, ये एक हमारा रिलेशन है। इसमें देखो क्या हुआ कि ए जो है वो 1 से भी रिलेटेड है और ए 2 से भी रिलेटेड है, ऐसा नहीं हो सकता है। जो हमारा ए है वो एक ही एलिमेंट से, चाहे वो 1 से हो, चाहे वो 2 से हो, चाहे वो 3 से हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो फंक्शन, किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन है कि जो हमारा फर्स्ट सेट है उसके सारे एलिमेंट बी से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है, और ओनली एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए। क्लियर है सबको? चलो ठीक है, तो अगर मैं इसको समझता हूँ, इसका कंक्लूजन देखता हूँ हमारी इस कहानी का, तो इस कहानी में क्या आया? सबसे पहला कैरेक्टर सेट्स, ठीक है, सेट्स से बाद में आया कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट्स का, फिर उसके बाद में आया रिलेशंस, और फिर लास्ट में आया फंक्शन, ठीक है। तो ऐसे हमारा फंक्शन क्या हुआ, जनरेट हुआ। शुरू कहाँ से हुआ? सेट से, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ, फिर रिलेशन आए, और फिर लास्ट में हमारा फंक्शन बना। ओके, सो आई होप आपको ये जो फ्लो चार्ट है वो समझ में आया होगा। अभी जो फंक्शन की, क्योंकि देखो बेस क्लियर होना और समझ में आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो अब फंक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। सो आई होप यू इन्जॉय द क्लास, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।